ये रेती रेत था, वहां पानी नहीं था, आज भी नहीं है पानी वहां, जिसे मक्का मदीना कहते हैं, जहां हज करने जाते हैं। वहां देखो जाकर के नौ ग्रह स्थापना है, नौ ग्रह और भोले बाबा की शिवलिंग स्थापना है, उसमें कोई जल नहीं चढ़ाता है। हम कहते हैं देवों के देव महादेव और ये बाबा आदम कहते हैं, हम कहते हैं माता पार्वती, ये कहते बीबी फातिमा, जिसे हम दुर्गा माँ कहते हैं इसे बंडू बुआ कहते हैं, जिसे हम बजरंग बली कहते हैं उसे हजरत अली कहते हैं। अंतर कुछ नहीं है, समझाने समझाने का समझने का तरीका है। कुरान में कोई चीज अलग नहीं लिखी है, मगर समझे तो है, जबकि समझ में नहीं आ रहा आकर जाओ, देखो भैया जी आए काए वो समझा रहे कि गद्दी के बराबर चप्पल पर के ना खड़े हो मैं, और वो इनकी आए हो तो बताओ, ये समझने की पर फिर है ना। वहां पर राजस्थान है, मट्टी रेत रेत है, था कोई पेड़ नहीं था, तो सर पे कपड़ा रखना, कभी देखना तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही हो रस्ते में चल रहे हो, पर यदि आपकी जेब में रूमाल है, रूमाल आप उस रूमाल को अपने तरबा रख लेना यहां, तो आपको गर्मी महसूस होना कम हो जाएगी, होती है कि नहीं, खूब पता है उस रूमाल से धूप नहीं रुक रही है, मगर उसे रखने से एक जो तरवा छोटा दिमाग होता है यहां, तरवा जिसे कहते हैं, उस पर डायरेक्ट धूप का प्रकाश नहीं पड़ता है, उससे राहत मिलती है गर्मी से। इसलिए कपड़ा बांधना, कपड़ा कहां से बांधे, कैसे बांधे, हर वक्त वो टोपी लगाना शुरू हो गया। सुपर खां यहां से जब गई थी तो उन्होंने नाक कान कट गए थे, दबकाने के लिए उन्होंने मुंह पे मुच्छी का बांधना शुरू कर दिया था। तो ये समझने का फेर है। वहां पर शुक्राचार्य इन लोगों की जान बचाई थी, इसलिए शुक्र को जिसे जुमा कहते हैं शुक्रवार के लिए ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि तो गुरु शुक्राचार्य ने इनके वंश को बचाया था। ध्यान से सुनना, मानो तो देव नहीं, पत्थर है, कुछ भी नहीं है, कहीं परमात्मा नहीं है, कहीं भगवान नहीं, कहीं गॉड नहीं है। जब परमात्मा गॉड भगवान नहीं है, ये कोरोना आया था जब क्यों नहीं निकल के गए थे लोग, वहां जाते क्यों नहीं गए थे, जब तो कोई नहीं मार रहा था आपस में, बताइए ना मुझे महाराज, कितना सुंदर जवाब दिया है मोदी जी ने शाहबाज के लिए, अभी नया पाकिस्तान का पीएम बना है, उसने छूटती बात कह दी, दो दिन नहीं हुए सरकार संभाले, तो कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर हमारी है, मोदी जी ने कह दिया पहले जैसा भारत नहीं है, ध्यान रखना। शायद कहीं हमारे देश में योगी और मोदी दोनों में नहीं होते तो चीन तुम्हारा यूक्रेन की तरह बना देती है, चीन घुस के आया थी और आप लोगों तो कुछ नहीं होता, क्यों, क्योंकि गद्दार बैठे हैं यहां, कहीं और चले जाइए। अटल जी गए थे बाहर विदेश में, इंडोनेशिया, अटल जी का नाम तो सुना होगा, देखे भी होंगे अटल बिहारी वाजपेयी, मुसलमान कंट्री है पूरी, और वहां वो जगह है कि जहां अहे रावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को दबकाया था, चुरा के ले गया था युद्ध में से, जब हनुमान जी उन्हें खोज के लाए थे, वो जगह है वहां इंडोनेशिया में। आज उस इंडोनेशिया में हर साल रामलीला होती, हर साल रामलीला में कोई ना कोई यहां से नेता लोग जाते हैं और फीता काट के आते हैं। एक बार अटल जी को बुलाया और अटल जी से जब फीता काटा तो उन्होंने देखा दरबार में राम लक्ष्मण सीता हनुमान सबकी प्रतिमा रखी थी। अटल जी ने कहा कि ये कौन है, क्या है ये, तो सभी मुसलमान भाई ने पता क्या कहा, क्या आप नहीं जानते इनको, अटल जी तो जानते थे, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जानते, क्या है ये, बोले हम दबाव में आकर के, प्रेशर में आकर के गुलामी ना करनी पड़े, किसी की बेगार ना करनी पड़े, तो हमने धर्म छोड़ दिया था, इनसे तो हमारा जन्म जन्म का नाता है, हमारे पूर्वज हैं ये,
जब पृथ्वी पर सबसे पहले ब्रह्मा ने मनु और सतरूपा को पैदा किया, नर नारी को पैदा किया, राम राज में क्या था बता मुझे, सतयुग में कौन थे? सब मानव थे, मानवता थी। अब तो मानवता भी खत्म हो गई है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, और जब तक ज्ञान नहीं होता जब तक कुछ नहीं मिलता। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री महाराज। आज राजा बलि को समझाया, मगर गुरु भी होना चाहिए तो शुक्राचार्य जैसा। जब उन्होंने जमीन का दान मांगा तो जमीन के दान के लिए शुक्राचार्य ने कहा, बेटा बलि इसे मत देना, जैसे हमारे श्याम जी के गुरु जी ने कहा था, चक्कर में मत फंस जाइयो, समझ रहे हैं? बहुत गुरु है जयलाल, बहुत चालाक है ना। नीरा ने भी बोला, सबने कहा, इंसान की परख जब होती है जब उसे सामने पड़ते हैं, व्यवहार जब मालूम पड़ता है कौन क्या है कौन क्या नहीं है। आज उन्होंने कहा, मैं ऐसे नहीं लेता हूं, और मैं संकल्प कराता हूं, मैं संकल्प कराता हूं, और संकल्प करा करके जब मैं कुछ दान लेता हूं। शुक्राचार्य बोले, चिंता मत करे, चावल के बिना, जल के बिना, और दक्षिणा के बिना, फूल के बिना, चावल, पुष्प, जल और एक कलावे का टुकड़ा, यानी पांच चीज रखी जाती है संकल्प में। और जब पानी नहीं होगा तो संकल्प नहीं होगा। तो पहले जब पूजा करते थे किससे करते थे बताए? सागर से। सागर देखा है तुम लोगों ने? सागर जिसकी टोंटी होती सागर में। और अब कहते पूजा करें, बताओ कहते करें? लोटा। लो शंकर भजले विष्णु भजले, और भजो पूछरी को लोटा है, और इत इत उतकू तू लुड़कट डोले बिन पेंदी को लोटा है। चाहे भगवान विष्णु को भजले, चाहे शंकर को भजले, चाहे भजो पूछरी को लोटा है, और तू इत उतकू लुड़कट डोले बिन पेंदी को लोटा है। बिना लोटा लोटपुट हो जाता है। लोटा से पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, आइए ध्यान देना। आज शुक्राचार्य टोंटी में बैठ गए, मन की जाने तन की जाने, जाने चित की चोरी, पर बात का छिपाने जगह हाथ में संसार की डोरी है। आज महाराज उन्होंने संसार की डोरी वाले को जब भृगुली बन गई, तो मेरे भगवान विष्णु ने एक सीख ली दाब, तो उसकी टोंटी में डाली, और जैसे ही डाली तो आंख फूट गई, शुक्राचार्य बाहर आ गए। कौन जी ऐसा गुरु है जो अपने आप खेल करके कोई चेला का भला करे? आजकल तो सोचें कि श्याम पे भीख मंगवा, हम बैठे खाएंगे आराम से, चंदा मांग के लावे श्याम, हम बैठेंगे आराम से। हैं ध्यान से सुनना, आज महाराज जैसे ही बाहर आए तो शुक्राचार्य ने कहा, अरे प्रभु जी, अरे बामन भगवान, तुमने तो मेरी आंख को फोड़ दिया। बोले, मैंने तेरी आंख को नहीं फोड़ा, तेरी आंख तो पहले से फूटी हुई है। हर इंसान पर दो आंख हैं, एक आंख अच्छा देखने के लिए, एक बुरा देखने के लिए, एक से प्यार करने के लिए तो दूसरी लड़ने के लिए। इंसान लड़ता है तो दोनों आंखों से लड़ता है, जो नजर ना मिलाए फिर एक दूसरे से नजर चुराता है। चुराता है कि नहीं? ना चुरावे, फिर फोन उन्हें उठावे लोग। बोली गोविंद भगवान की।
बोलिए बावन भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल वंशीवारी की। कुछ दानदाताओं की सूची, 501 रुपए भूमि की निम्मी, 201 रुपए शारदा का भतीजा गुड्डू, 501 रुपए गुड्डू लिख रही है मैं और का गलत कह रहे हैं, का को नाम गलत है, ज्यादा अनपढ़ आदमी है का बात। इतनी देर सही कर, दोबारा सही करा लो। 501 रुपए नैन्सी व प्रिंस, 501 रुपए पुलिस वाले, 501 रुपए मैडम का परिवार, 501 रुपए विनीत पंचवटी सरता की बहन, 201 रुपए गुप्तदान, 101 रुपए कुलदीप व दक्ष। वैदान दाता को जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधे रानी सरकार की। इसी प्रकार से साथ देते रहोगे तो हर एक साल गुरु जी के मुखारविंद से ये भागवत कथा इस कॉलोनी में होती रहेगी। पान की आइए, आज राजा बलि जब तीन पग भूमि को नापा तो एक पग में सात लोग नीचे के नाप लिए, एक पग में सात लोग ऊपर के नाप लिए, तीसरा पैर रह गया शारदा की सलन। ये तो कंगी, इन्हें तो बुरे लग रहे हैं, हम ध्यान नहीं ना। बोले तीसरा पग कहाँ रखूं? बोले महाराज मेरे सर पर रख लो। जब बामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में गए, यज्ञ में पहुंचे तो उनकी बहन राजा बलि की बहन ने कहा कि ऐसा पुत्र यदि मेरे होता तो मैं अपना दूध पिलाती, ऐसा पुत्र मेरे होता तो दूध पिलाती। और जब भैया से तीन पग भूमि में सारा लोग नाप लिए और बोले सन मैं तेरी भक्ति में बड़ा खुश हूं बलि, राजा बलि मांग ले। राजा बलि ने कहा वाह वाह महाराज वाह, हम भिखारियों से भीख मांगेंगे क्या? क्यों जी, एक बात बताइए, हम किसी को तो नहीं जानते थे, बस सिर्फ श्याम को जानते थे, भगत जी को, है ना। और इस भगत जी से हमने एक विचार रखा, भाई हम हिंदू तो जगा रहे हैं, सनातन धर्म को जगा रहे हैं, कुछ हमारा सहयोग करोगे? बोले क्या कि हमारी मैंने की एक भागवत करवाओ। बोले हमने तो महाराज भागवत अभी अपने गुरु जी की करवाई है, प्रमोद शास्त्री जी की, 1000 श्री 1008 श्री महाराज जी की कथा कराई थी, ठीक है। बोले वो बुरा मान जाएंगे। मैं सुनो, हम बुरा भला किसी का नहीं चाह रहे महाराज, ये नहीं कोई बात नहीं है। अब नवरात्र आ गए, भगत जी की जागरण भी करते हैं, नेक्रोसी करते हैं, अच्छा माँ भगवती की कृपा, बाबा की बहुत बड़ी मेहर है इस पर, छोटे मोटे संकट की बात कर बड़े बड़े संकटों को भी काट देता है। उम्र छोटी है मगर कहते हैं छोटा नहीं बहुत खोटा है, हीरा की परख जोहरी जानता है। और ये तो हमारे हिंदुओं में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यदि कोई व्यक्ति उठ रहा हो ना, उठ रहा हो ऊंचा, उसको गिराने में और मुर्दे को उठाने में, जिंदे को गिराने में और मुर्दे को उठाने में बहुत बड़ी एकता है ना, है कि नहीं? ये ना बढ़ जाए, इसे गिराओ नीचे, इसे गिराओ चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। आज महाराज ध्यान से सुनना। तो राजा बलि की बहन ने कहा कि इसने मेरे भाई का नाश कर दिया, यदि ऐसा पुत्र मेरे होता तो मैं इसे अपने स्त्रों से अपने आंचलों से काल कोट नाम का विष लगा करके गर देकर के मार देती। बामन भगवान बोले एवं वस्तु ऐसे होगा, तो आज नहीं वो कल आएगी मारने के लिए। दोनों वरदान मिल गए, ऐसा बेटा होता तो दूध पिलाती,
भाई की सर में छलकर दिया, ऐसा बेटा होता तो मैं जहर दे देती। समझ रही है ना बात को? पियर खुश नहीं है तो ससुराल भी खुश ना रहे, पियर वाले खुश हैं तो हम खुश हैं, ये कौन सा नियम है? पियर वाले डोल रहे बीएमडब्ल्यू में, तुम पर साइकिल क्या करोगे बताओ? बताइए ना, मुझसे ज्यादा तुम बाहर तो नहीं घूमती है ना? मैं दुनिया को ढूंढा है। ये 326वीं भागवत है और 327वीं भागवत के लिए तैयार, आगे बुलाने के लिए आ गया ये राजेश, जो बिहार में कथा है वहीं से समस्तीपुर से आया है। और आगे भी देखूंगा, कहीं ना कहीं कथा तो लगेगी, ऐसी बात नहीं। चो बाबा श्याम, बाबा श्याम के श्याम बाबा, बाबा श्याम तो भगत जी श्याम, हाँ। तो एक बार जोर से बोलो, बोलिए बामन भगवान की, बोलिए बामन भगवान की। महाराज राजा बलि को वरदान दे दिया, जा मैं तुझे पातालपुरी का राजा बनाता हूं। कहां का? जोर से बोलना पड़े, कहां का? पातालपुरी का। आज पातालपुरी का राजा बना दिया। पातालपुरी कहाँ है पता है किसी को? जी कहाँ है? पृथ्वी के नीचे होगी जी। मोहित भैया तुम तो इंजीनियर, तुम्हें तो बताओगे कहाँ है? जिसे अमेरिका कहते हैं वो पातालपुरी है, ध्यान से सुनना। और हमारे इंडिया से 200 साल आगे थी, आज भी आगे है, मगर कोरोना की वजह से कुछ इधर उधर की उससे करने से हमारे मोदी जी ने आज अमेरिका को धमकी दे दी, हम तेरे दबे में बस रहे, और पहले जैसा भारत नहीं भी सुनेगा। व्यापार है यहां से कर सकते हैं या बिहार में कर सकते हैं? कौन जी ध्यान देना, आज अमेरिका पातालपुरी का राजा बना दिया। बामन भगवान से राजा बलि ने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं मांगा, नहीं मांगा तो मांग लो, कि मैं तुम्हें अपना चौकीदार बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? क्या बनाना चाहता हूं? चौकीदार। चौकीदार की पावर कम नहीं होती, चौकीदार चाहे ना तो कह दे कि बाबूजी नहीं है यहां, चाहे बाबूजी भीतर ही बैठे, फिर वापस कर देगा, कल ले आना कल, और कल भी सुनाओ आओ ना तो पहले फोन कर लेना, बाबूजी को नंबर ना देगा अपना देगो, और तुम्हारा अर्जेंट काम है तुम फिर कॉल करोगे, भैया बाबूजी हैं क्या? आज नहीं आए वो, कल आएंगे, फिर तुम फोन करोगे बाबूजी कैसे थोड़ी मिले पहले फिर आप ही खुद बोल दोगे कुछ ले दिलो ना महाराज, कुछ करवा दो, तो आ जा भीतर ही बैठे। एक बार जोर से बोल दो, राधे, हाथ उठाओ कर रही थी, जय जय श्री। आज महाराज राजा बलि की कोई बहन नहीं थी, इन नारियों का भी बड़ा लफड़ा है, पत्नियों का। पति यदि घर पे पड़ा रहे ना, घर में ध्यान से सुनना, एकता जब पति घर में रहता है तो रोज खून पीती है, कुछ करते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, बैठने से काम चल जाएगा क्या तुम्हें पता नहीं है? बच्चों की फीस जाएगी, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो, हाँ ध्यान देना है, कछु करो नाओ, कछु धरो नाओ। और पति ने को बाहर चलो जाएगी, हेलो कब आओगे, कितने बजे तक आगो, सुन लेना मेरा तो अकेली को मन ना लग रहा, मैं तो शारदा जी के यहाँ चली गई ना कि देखू उन भगाए दी मैं तो, ऐसी होता कि नहीं? मैं नहीं कह रहा इस बात को, वो तो की बता रहे जितने प्याय भाई बैठे गए तीनों, मैं तो ना इतको ना तो को बीच में इतको पर महाराज तो वही तरह। एक बार जोर से बोलो, जय जय श्री। आज महाराज लक्ष्मी जी रो रही है, नारद जी पहुंच गए, क्या बात है, क्यों रो रही हो बताओ ना?
ताई लक्ष्मी बड़ी दुखी हो रही है, क्या करिए। अरे मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूटे फूटे की रोई। लक्ष्मी फूटे फूटे की रोई, वो मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूटे फूटे की रोई। फूटी फूटी के रोई रे मौनी, फूटी फूटी के रोई, फूटी फूटी के रोई लक्ष्मी, फूटी फूटी के रोई। अरे मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूटी फूटी के रोई। मेरे कहाँ गए भरतार, फूटे फूटे के रोई। लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? क्या क्या भगत जी, हाँ सीटी नहीं। उमें सेवा मन से करती, उमें सेवा मन से करती, और कभी ना उनसे लड़ती। हमेशा करती रहती प्यार लाडली, फूटे फूटे के रोई। मेरे होते बेटा बेटी, मैं बड़ी पलंग पे सोती। मेरे होते बेटा बेटी, मैं बड़ी पलंग पे सोती। बेटा वो भी, हाँ गुरु जी, यदि मेरे दो चार और होते तुम जैसे, हाँ तो वो खत्म कर देते तुम तो। अच्छा हाँ, मेरे होते बेटा बेटी, मैं बड़ी पलंग पे सोती। मेरे होते बेटा बेटी, मैं बड़ी पलंग पे सोती। बेटी उल्टी सीधी चार लाजिमी, उठे फूटी की रोई। मेरे कहाँ गए भरतार,
कब निहाल होता है, दाता जब दयाल हरी जब दयाल, दाता जब दयाल होता है, आदमी कब निहाल होता है, आदमी कब निहाल होता है। माँ जन्म एक बार देती है, माँ जन्म एक बार देती है, दुखड़े हजार दुखड़े हजार दुखड़े हजार सहती है, माँ जन्म एक बार देती है, माँ जन्म एक बार देती है, माँ जन्म एक बार देती है। और जब ये माँ लक्ष्मी ने कहा अपराध कहा मैंने कीनो जो नारायण कदी बीनो, अपराध जब नारद जी ने सुना तो नारद जी ने कहा सुनो मैया। नारद ने गिरा उचारी प्रभु करते चौकी सारी, नारद ने गिरा उचारी प्रभु करते चौकी सारी। और सुनो तुम नहीं मानो तो नारद ने गिरा उचारी प्रभु करते हैं चौकीदारी, नारद ने गिरा उचारी प्रभु करते हैं चौकीदारी, जाके देखो बलि के द्वार लगी हो मेरे कहां गए बलतार माता लक्ष्मी से नारद जी ने कहा मैया तू मेरी बात झूठ मान नहीं और चली जा राजा बलि के यहाँ, राजा बलि के यहाँ जाकर देख ले प्रभु चौकीदारी कर रहे हैं। हाँ हाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे, चली जा। बोली ऐसे कैसे कोई नौकरी पर रखे होंगे तो कारण बता दे, ऐसे ऐसे है गई एक अच्छा चौरी नारा नारद के। हाँ उन्हें कैसे छुड़ांगे कैसे लाऊंगी बता तो दे, रास्ता तो बता। कि देख राजा बलि बहुत बड़ा दानी है, कभी जो मांगता है वो उसे वो मने नहीं करता। तू एक काम कर, क्या तू राजा बलि की बहन बन के चली जा और राजा बलि की बहन बनकर के उनके दरवाजे पे रख जगा देना। माता लक्ष्मी बोले ठीक है महाराज, नारद जी गुरु जी तुम कह रहे तो मैं जा रही हूं। पागल है जा रही हूं ऐसे जामे और सावन के महीना में जाइयो, सावन में, सावन के महीना में तीज आमे, तीज हरियाली तीज आमे ना है नाम है तो वो तो मने कर रही हमारे नाम है आमे जी। हाँ तो हम भाई हाँ जी जी हाँ वाह हम भाई माने आमे ना तो हम भाई। हाँ बोली गोविंद भगवान की, इसका मतलब ये है कि कथा सुनी जा रही है ना, देखो प्यार से बोलो जय जय श्री। आज महाराज सावन के महीना में जो तीज हरियाली तीज आती है उस दिन माता लक्ष्मी और राजा बलि के दरवाजे पर आकर के जब कहा भैया छोटे छोटे भैया तेरे द्वार
बहना बड़ी दूर से आई आई। आज रचनी जी ने ये पुकार लगाई, उन्होंने कहा भैया अरे बड़ी दूर से आई लक्ष्मी, बड़ी दूर से आई छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। और कहा कि बेदर्द तेरे जी जाजी वो करते अपनी राजी, बे दर्द तेरे जीजा जी अब करते अपनी, अरे मैं तो समझाती गई हार बहना बड़ी दूर से आई। अब तो महाराज उन्हें कहा मेरी बहन तो कोई नहीं है, यहां मेरी बहन कौन बन गई है, चलो आज बहन के सामन में आई, दस पांच दिन कुछ नहीं बोला। जब सावन के महीना में एक त्योहार चला है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन होता क्या नहीं, बहन भाई का दो ही त्योहार है, एक तो रक्षाबंधन है दूसरा है कौन कौन के यहाँ हो बे, बस दो तीन की हो तो ना हो बे, अच्छा चलो तो कोई बात ना है। रक्षाबंधन सब लोग करते होंगे, सभी बहन करती हैं कि नहीं, पर आजकल रक्षाबंधन अभी बड़ा मामला गड़बड़ वाला है। रक्षाबंधन में ना ये राखी नहीं चलती थी, बड़ी बड़ी रखा नहीं चलते थे, पहले कलावे का टुकड़ा बांधते थे कलावा। जब राजा बलि के लक्ष्मी ने कलावा बांधा तो उन्होंने इसलोक बोला था, ये न बंद्रो बलि राजा दान बिंद्रो महाबला तेरे तो क्षे माचरे माचला। इस श्लोक का अर्थ पता है क्या है, इस श्लोक का अर्थ ये है, हे प्रभु हे गोविंद हे विष्णु, मेरे भाई की भुजा में इतना दम रहे इतना बल रहे कि हमेशा मेरी रक्षा करता रहे। मगर आजकल की बहन का कहने, आजकल की बहन पता है, छोटा भैया नौकरी कर रो शहर में और बड़ा हो गांव में, तो का कह में सुनो पहले वहां चल रहे शहर बारे के यहाँ कुछ ज्यादा देखो पैसा आया तनखा वैसे रखा ही नौकरी है वाकई है वागे का करेंगे बीच वाले गए जाके वो तो वैसे ही टनाटन ढेबे वहां जा रहे। अब भैया फिर एक बात मन साध है तुआ काम बारे को सुनना, भैया मैं जा मारे कह रही हूँ कि आज रात को तुम यहाँ रुक जाऊंगी है ना, और छोटे भैया के यहाँ थे सीधी तेरे घर आऊंगा, भी दो तीन दिन तो रह जाऊंगी गांव में है ना, काय मारे कि मन सत जाए। राखी का त्योहार मनाया जाता है भारत में, मगर रक्षाबंधन राखी कहाँ से आती है, चाइना से। होली मनाई जाती है हिंदुस्तान में, मगर गुलाल चाइना से। देखा जब से चाइना का गुलाल बंद हुआ है हमारे वृंदावन में देखो कितना गुलाल कट्टा पे कट्टा मिलते हैं आते हैं कि नहीं, और जो अपने भारत का गुलाल है ना उस गुलाल में अलग ही खुशबू आती है। अब तो होली कोई खेलता नहीं, खेलता है होली महाराज। आज मेरा यही कहना है, इन कथाओं से भी यही कहना है कि आप कोई चाइना की चीज ना खरीदें, जैसे चाइना की चीज का कोई भरोसा नहीं होता इसी तरीका से उस बहन का भी कोई भरोसा नहीं है। मन में आई तो राखी बांध आई, तो मन में जे सत्यनाथी बाहर में जा ले मैं आई रही ना उले कर ले हैं चौजी जाके बहन ना होए तो गोवा की राखी ना बने तो जिंदा ना रहे बताओ, हमारे कोई बहन ना आए तो हम जिंदे ना बैठे बताओ। और इतनी कथा कर दुनिया में हैं, और जब राखी को समय आवे काहे रक्षाबंधन पर मेरी हर साल कथा होती है हरियाणा में,
11, 12 साल हो गई मैं कथा कर दी मैंने 9 कथा करने के बाद में जो कथा कराती ना उसने मुझे धर्म का भाई माना, यानी 2 साल पहले उसने बोले मैं गुरुजी उसे गुरुमंत्र ले रखा था पहले, बोले गुरुजी मैं तुम्हें भैया बना लूं, इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा, बना लीजिए। अब उन्होंने बहन बना लिया, बहन बन के भैया बन गए, बड़ा आनंद आया। 2 साल कथा करी, अभी 10 फरवरी की बेटी की शादी थी, सोनू भी गया था, वहां गया था ना सोनू महाराज, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था वहां, ये उसने डीजे नहीं लगवाया था और वहां संगीत यानी संगीत जो हुआ था, लेडी सिंगर बुलाए, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छी शादी, भात लेके गए थे हम बाबू जी, ऐसे नहीं गए थे। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, राजेश से पूछ लो, ये बिहार से आया है, बिहार में बिहार की कथा की फुल जिम्मेदारी इसी की रहती है। हाँ, और रहती नहीं है, जो कथाएं होती है ना उसमें तो रहती है, जिस जिन लड़कियों की शादी होती है उसको मालिक यही पूछ लो कि लड़कियों को कन्यादान यहां से ये लेके गया है, क्या हम बिहार में क्या करें, थोड़ी उठा दो पंकज जी, आज तो खा के मानोगे तुम लोग, आज ध्यान देना, आज राजा बलि के यहां जब राखी बंध गई तो ने कहा, हे वीरन मेरी इच्छा थोड़ा पीछे जाना रहता है, बंधवाए ले हाथ में रखा, हे वीरन मेरी इच्छा बंधवाए ले हाथ में रखा, ऐसो समय न बारंबार बहना बड़ी दूर से आई। भैया बड़ी दूर से बहन आई है, बन मारू ना, माया ने हाथ दियो ए बलि कस की बांध लियो है, माया में। और जब ने कहा कि भैया बहन तूने ऐसा किया है, बांध लो, मांग लो, क्या मांग, अरे ऐसे एक तरफ के रंदे, एक तरफ रंदे, ध्यान देना, भैया दे दे चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई। जैसे उन्होंने कहा भैया बदले में क्या देगा, ये चौकीदार बैठा है इसे दे देना। राजा बलि बोले, एक पहले रूप बदल के आए तो वहां ने 3 पग भूमि मांगी और अब की चौकीदार मांग रही है, कुछ गड़बड़ ना है जाए। उन्होंने कि चौकीदार तो एक ही राज्य से, गी बिहार को पूरे राज्य संभाल रहा हमारी है, और यहां को नेका समा रहे तो वो भी है कि दोनों कवाड़े बैठे को तो घूम त्यागी जी तक तो इन दोनों ने ले जा, और ज्यादा कोई ज्यादा कवाड़ो चाहिए तो कि बराबर में बैठा जाने जा, माँ को बासन पूरा। हाँ, महाराज जब खातना है तो एक बिलैन 4 अंगूर खाती, तुम्हें क्या पता है मैं कैसे कैसे चुगारन छाती हूँ वो बताओ। बोली गोविंद भगवान की, और मैं कहूँ ना गाड़ी में आगे बैठ जा तो काके ना मैं पीछे बैठूंगा ठाकुर जी पकड़ के, क्यों तो ठाकुर जी सो जाओ मैं सो जाऊ का परेशानी, बराबर में बैठूंगा तो सब दिखे है। आज ने तरफ गई मेरे संग एजेंसी में गए हम गाड़ी लेके, तो वहां बैठ के गाड़ी की जो वहां सही है रही एसी रूम में जाकर हम बैठ गए, तो वहां जाके नींद सी आ रही है, रात भर का करे पूछे, राम नाम के आलसी भोजन के होशियार। आज भोजन खाने के होशियार है महाराज, मैं सुबह रात में कभी भी कोई उतर के जीना में आ जाए ना ऊपर से नीचे को तो बता देता हूँ कौन आया था,
कौन के चक्कर मारे थे, कौन कब जगाए, हम बतियाओ करे तुम सो तो वो जगती रहते हो महाराज जी। इसीलिए कहा है सोना भी समय का अच्छा लगता है, जगना भी समय का अच्छा लगता है। कल जन कौन कह रहा था 4 बजे आ जाए, हमें नींद आ रही है, चक्कर लगा मत परकम्मा। बिल्कुल मत लगाओ, कोई तुम तिकी तो बताओ क्यों जी। आज महाराज माता लक्ष्मी ने वामन भगवान को मांग लिया, चौकीदार को मांग लिया, अम्मा आई अम्मा राम राम, ये श्याम बाबा की अम्मा है। एक बार जोरदार ताली बजा दो, लग तो रही ना अम्मा, छोरी सी लग रही है, नई सी। बोली गोविंद भगवान की, ये हमारी मौसी है, मासी डॉक्टर सगी माँ जैसी है। और तुम कहीं इन पर नीचे बैठा जाओ, हड्डी से बेकार रही है। एक बार जोर से बोलो जय जय श्री। आइए, आज राजा बलि को जो छल के मांगा, अब आया होश बलि को, छल ले गई नारी बलि को। जब आया होश बलि को, जब ले गई नार छल बलि को, अब आया होश बलि को, भूले गई जब आया होश बलि को, छल ले गई नार बलि को। जब आया होश बलि को, छल ले गई नार बलि को। ये तो जादू करनी नार बहना, बड़ी दूर से आई छोटे दिया से द्वार बहना, बड़ी दूर से आई बड़ी दूर से आई बहन तेरी, बड़ी दूर से आई छोटे भैया तेरे द्वार बहना, बड़ी दूर से आई छोटे भैया तेरे द्वार घरे। राम रही न माया बलि सिर दुन के पछे ताया, घरे राम रही न माया बलि सिर दुन के पछे ताया। बोली बामन भगवान की, ध्यान से सुनना। एक बार माता लक्ष्मी में और भगवान विष्णु में दोनों में बहस हो गई। जब दोनों में बहस हो गई तो लक्ष्मी जी बोली सुनो 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 ना, वहीं ले जा सामने में गोदम रख दे जा। ध्यान देना, माता लक्ष्मी बोली सुनो, तुम्हारी पूछ ना, तुम्हारी जो पूछ हो रही है वो मेरे पीछे हो रही है। जैसे राजेश थे ना, हमारे चेला थे राजेश थे, उषा कहती है घरवाली सुनो मेरे पीछे तुम्हारी मौज है, तुम्हें कौन जाने बिहार में, पता है क्यों कहती है वो? वो कहती है कि तुम्हारा पियर मेरा पियर बिहार में दोनों का, इसलिए मेरे पीछे पूछे, पौसार है कि नहीं मैयर। हाँ बोली गोविंद भगवान की, बिहार में कोई पियर नहीं कहता, माइक नहीं कहता, मैयर नैहर 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 जा रहे हैं। जाने ना, भगवान विष्णु बोले वाह तेरे पीछे मेरी पूछ, मेरी पूछ तेरे पीछे है ना, तो ठीक है। तो भगवान विष्णु आगे मेरी तरह बोले, भैया कथा करवा लियो, भागवत करा लियो। मोहल्ला के बोले कि चांद गले खावे, चांद पान खोपड़ी है, भैया कछु नजीक करवा लियो ना। सब बोले कोई बात ना, आएगा तो कर लियो। श्याम श्याम की मौसी दोनों परिचित परिचितनी बन गए। हाँ। अब भैया बन गई तो 2 दिना का था भाई, 3 दिना भाई, 4 दिना सफेद बाल
सफेद धोती हाथ में छड़ी लेके बुढ़िया का रूप बना के और माता लक्ष्मी आ गई और सगते आगे आए के जगह देख दाग के बैठ गई बुढ़िया। तो बुढ़िया बैठ गई तो भाई कोई बड़ी बुढ़ी आवे तो देखे पानी भानी प्यामे के न प्यामे, सो जो परिचितनी बनने के उठी और लोटा वो स्टील को पानी भरो के लियो, अम्मा पानी पी लियो। अम्मा ने जैसी हाथ लोटा से टच किया लोटा गोल्ड का हो गया। श्याम की मम्मी बोली कौनी मारी चुप रहे हो इस ने या बाबा जी पर कछु न है बुढ़िया को सब कछु है तो कहेगा देख रहे ना आए स्टील को सोने को कर दो। अम्मा पानी दोबारा जरूर मांगेगी, सुनो मैं बाल्टी लिया हूँ भरते दो तीन बाल्टी एक दूसरे में फंसा कर लिया ही दो ही। अम्मा ने कह बाल्टी पकड़ा दी तुरंत। अम्मा जितनी मोटी है ना उतनी ज्यादा मोटी है पैसा में। हाँ देख ले लिया पानी लाए तो है नहीं, बोले गोविंद भगवान की। अब तुम्हारा जैसे ही अम्मा ने हाथ लगाया बाल्टी दे बाल्टी सोने की हो जाएगा, तुम करो करो कोई बात नहीं है, दिसंबर में हम तुम्हें देख लेंगे उधरी सोने का करवा देंगे, घोड़ा मत। हाँ चिंता ही मत करो, हम तो पहले प्रसाद दे में एक बता दो, फिर दो दे में, फिर चार दे में, फिर पस भर के दे में, फिर कोई छाती जाता है कथा कर ले भाई और कथा कर। बोले गोविंद भगवान की मेरी माँ है ना उनसे छोटी वाली मेरी मौसी खास कहीं विजयनगर में मकान है शिवपुरी में, तीन बेटा है दो बेटी है, एक बेटा एक बेटी रह गया बस शादी के लिए, बाकी सब कुछ भगवान की कृपा है, बस इनके वो ही नहीं है। क्या कहते तो हैंडपंप वो हस्बैंड। हाँ ध्यान देना, नहीं तो ऐसी बात नहीं है, दोनों बहने ने यह बात में सफाई करी कि दोनों आदमी पहले भेजे कि तुम जाओ झंझट काटो। बोले गोविंद भगवान की, और जो निकल जाए ना वो अच्छा ही है, सही बता रहा हूं। हाँ और नहीं तो देखो वो बेचारी बढ़िया चलती खूब मल्लू कहीं कोई कमी कर देखी दूध ले गई बुढ़िया पैर रपटको तो रीढ़ हड्डी फ्रैक्चर कर लो, बताओ बुढ़ापे में कई दिन देखने और पड़ रहे। हे भगवान मेरी सुनो तो तुम वो तो ऐसी उठा रही हो ये बस की ना दर्द वर्ष है। बोली गोविंद भगवान की, अब महाराज बैठ गई बुढ़िया, शाम को आरती भई आरती है के बोले भैया अरे श्याम अरे कांगा अरे श्याम अरे बेटा श्याम कहाँ मोर ने कहा तक छोड़िया कृष्णा इंटर कॉलेज तक मैं चली जाऊंगी। अरे अम्मा तुम रुक जाओ कि मैं रुकूंगी ना लाला जो कि जो गद्दी पे बैठना आएंगे बड़े बड़े बानवार ये सेना भट्टी करे या अपने घर में या रखे हो तो मैं ना रहूंगी और मोर रखे तो या विदा कर दे ठीक है। पंडित जी को दो दिन पहले विदा कर दिया, अब तुम्हारा जो वही हिसाब बली का हुआ। घरे राम रहे न माया बलि सिर धोने के पछताया, घरे राम रहे न माया बलि सिर धोने के पछताया, दोनों वो दोनों बेखुद गए सुधारे दिल दूर से आई छोटे भैया छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आज माता लक्ष्मी आंखों में देखकर के धोखा और उठा के महाराज अपना 2 सितंबर बुढ़िया माई सरक गई। और ना तो माया रही ना राम रहे, आज उन्होंने जब सुबह को देखा तो जैसे लोटा बाल्टी थी वैसे के वैसे हो गई।
राजा बलि रोने लगा। राजा बलि ने कहा कि सुनो माता लक्ष्मी, अब तो मैंने दे दिया, तुम्हें वरदान में मांग लिया था, मगर मुझे कम से कम इतना तो करो, मुझे अपना असली रूप तो दिखा दो। आज माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान ने दोनों ने अपना विराट रूप दिखाया और उसके बाद में महाराज वरदान दे दिया कि जा राजा बलि, हम तुझे वरदान देते हैं कि तेरे घर पे साल में 12 महीना होते हैं, 12 महीना में चार चार महीना तीनों देवता तेरे यहां पहरा लगाएंगे। सावन भादों क्वार कार्तिक में जो एकादशी आती है दीपावली बाद, पंडित जी कहां देख रहे हैं आप, ना कहने दो, जो कह रहा है उसे कहने दो, देखो सुनो मत और सुनो तो देखो मत, हाँ ध्यान देना। आज महाराज जब उन्होंने चार चार महीने का वरदान दे दिया, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सावन के झूला झूलने के लिए पियर में जाती है ना, तो सभी पंडित लोग कह देते हैं सूप डूब गया, शुक्र डूब गया, अब कोई विवाह शादी नहीं होंगे, कहती कि नहीं शुभ काम बंद हो गए। और फिर एक कार्तिक के महीना में आती दीपावली का एकादशी, जिसको कहते देव उठनी, देव उठान मनावे तुम्हारे या ना आए श्याम, तू तो कल मने करो हमारे तो मने ना है गांव में ना मने, तू ही बता रहे हो अपनी अम्मा के सामने हमारे देव उठान ना है मने, अच्छा मने, अच्छा कोई बात ना है, मेरे भगवान विष्णु का एक नाम और पड़ गया जिसका नाम देव उठान, बोले देव उठान भगवान की। उस दिन से देव उठान मनाते हैं। राजा बलि की कथा सुनाई, आइए वहीं लौट करके तो कहा कि राजा दशरथ तेरे बच्चों के लिए 10 महीना 15 दिन के लिए लेके जा रहे हैं मांगने के लिए, तो जी बिहारी पुरा के अजी सुनैना जितने बैठे का है भक्तगढ़, हम तुम्हारे यहाँ 2-4 महीना 2-4 साल भूत आए ना है, 7 दिन के लिए आए ना, कल और है परसों शाम को आरती करके सब काम खत्म, जय सिया राम, कल कर दे परसों कर देंगे सुबह, हाँ चो जो हाथ उठाए का मतलब है कल ही कल कथा हो जाएगी परसों हवन सब करके और कथा के बाद में लास्ट में शाम को पूर्णावती गोला की लगवा देंगे, बाकी खत्म से कहानी वो क्या करना बताओ। जब कोई आप लोग सलाह नहीं मशवरा नहीं कर रहे हो तो कैसे मालूम पड़ेगी, मकान की नीम भर की चालक प्लॉट की नीम भर दो, सलाह तो करनी पड़ती है, कमरा बनवाएंगे यहाँ, लेटरीन बनवाएंगे यहाँ, नान घर बनवाएंगे, हैं करें के ना विचार बताओ, पर तुम सब अपने में भैया सब अपने में अपने में, जो भी के श्याम करवा रहो है कि श्याम को भक्कू करवा रहो है, यहाँ का श्याम को भी अपने घर से घर करवा रहा जी, भाई आप लोग चाहोगे तो क्या नहीं हो सकता है, गाम राम से कौन कपेस नहीं पड़ती है, क्या नहीं हो सकता क्या पंडित जी है, और मानो करने वाला ना हो तो का करो जाए, भाई सोए हुए को जगा सकते हो मगर जगे हुए को कैसे जगाओगे, जो आदमी जगा पड़ा है जग जाओ रे चलो रे चलो रे, खिल्ला बगर कान पर ना सुने है, इसलिए मेरा कहना है जैसा भी विचार हो कल मुझे बता देना, शाम को बता देना क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि परसों आने में है साउंड फांड टेंट फेंट सब जैसे रात में लगो ऐसी रात में चला जाएगा, ठीक है एक बार जोर से बोलो जय जय श्री, किसको तो बिहार के लिए भी निकलना है, हाँ भाई स्कूल करेंगे हम तो 24 को ही निकलना पड़ेगा, अरे हम नहीं जाएगा 21 को, हम तो बबुआ जाएगा 24 तारीख को पहुंचेगा, ठीक बा बोली गोविंद भगवान की। अब तो महाराज राजा दशरथ के साथ में दोनों बेटाओं को लेके विश्वामित्र चले गए। भगवान राम ने सबसे पहले एक नारी का वध किया, वो कौन सी नारी थी, है ताड़का
तारका चाची। कौन थी भाई साहब? बजरंग दल के नेता आएंगे वैसी ना ये चांद चीकनी राजेश की तरह। तुम जो मत सोचो तुम्हारी ये दिन हाँ वो भी बैठो ना करो गुरु जी से उड़ा दिए उषा ने। बोली गोविंद भगवान की। जैसे ही पूतना उसका तारका का वध किया थोड़े से आगे चले तो एक आश्रम दिखाई दिया गौतम जी का। उस वन में भगवान राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र गए तो क्या हुआ पता है? हरि आश्रम एक देख मृग भैया धीरे धीरे कथा कथा मेरी आगे बढ़ रही है। भैया धीरे धीरे कथा कथा मेरी आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है लला जे आगे बढ़ रही है। बेटा धीरे जागो धीरे धीरे कथा कथा। देखना संसार की बात को सबको जानते पहचानते हैं राम। गुरुजी से कह रहे हैं गुरुजी पत्थर की शिला पत्थर की शिला की नारी बन के क्यों बैठी है? क्या भगवान को नहीं पता था? समझ ध्यान से सुनना माताएं बहने। नजर हटी दुर्घटना घटी। मैं कभी कथा कानों से नहीं सुनाता हूं किसी को। और जो आदमी कथा कानों से सुनता है ना वो कभी कुछ नहीं सुनता। क्यों? कि जब नजर हट जाएगी नजर दूर हट जाएगी तो क्या होगा जानती? ध्यान भटक जाएगा। गौतम जी की नारा हिल आए पत्थर की बन गई है। कैसे बन गई है? क्यों जी क्या ऐसा हो सकता है? आप बताइए। एक गौतम ऋषि की नार अहिल्या क्या इतना बड़ा धोखा खा सकती है? कौन जी ध्यान से सुनना। तुमने कथा तो बहुत सुनी होंगी ये और शायद तुमने सभी सुनाते यात्रा अहिल्या की रामायण में पड़ी होगी है ना। मगर आज नई चीज सुनाऊंगा। जब हमारे जो माताएं थी पुरानी अनपढ़ ठेठ गंवार जिन्हें अपना नाम लिखना नहीं आता था वो बताती थी कि ये चंद्रमा ये तारा इधर है और ये तारा इधर है इतने बज गए चलो चाकी पीसो। कहती थी या नहीं बताइए ना? कहती थी। पहले घड़ी घंटा मोबाइल नहीं थे है चाकी जलाते हूँ ऐसी बात नहीं कुछ तो होंगी ऐसी इसमें। और मैं तुम्हें सरल कर रहा हूं ध्यान से सुनो। जब वो बता सकती थी इतना 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 ऐसे हो गया तो क्या गौतम की नारी गौतम ऋषि कौन थे पता है? एक वैज्ञानिक थे। पहले इनको कहते थे ऋषि और अब कहते हैं वैज्ञानिक।
क्या एक डॉक्टर की पत्नी अनपढ़ ठेठ कुमार हो सकती है? कौन जी? माना कितनी गुरुकुल ब्याह डॉक्टर कौन हुआ बूढ़ा है वो हो उम्र लेकर गई हुई शादी की होगा जरूरत होगी मैं ब्याह करूं तो पांचवी चौथी छठी सातवीं पास तो लेगा क्या बिल्कुल अनपढ़ ठेठ कुमार ले लेगा क्यों जी? तो उस गौतम की नार अहिल्या का कारण क्या था जो इंद्र से उसने ऐसा किया? ध्यान से सुनना, ये ब्रह्मा की बहुत सुंदर पुत्री थी अहिल्या, थोड़ा बोली उठाई भैया जी ध्यान देना, बहुत सुंदर। ब्रह्मा ने सोचा कि यदि मैं किसी भोगी को इसे दे दूंगा, इसका विवाह मैं किसी भोगी के साथ में करा दूंगा तो भोगी भोग में ही यूज करेगा, भोगी भोग में यूज करेगा, उसे ये मतलब नहीं है कि पत्नी का मतलब क्या होता है। पत्नी पत्नी पतिव्रता होती है, पत्नी के करने से घर चलता है, मगर घर पत्नी के करने से नहीं चलता है, पति का भी करना हो तो घर चलता है। पत्नी तो हो बड़ी सोते मन, पति हो पूरा सरप्पा, तो कहा कर रही हो क्यों जी? माना हमने कहे हमारी अम्मा ने जी कर दो, हमारी अम्मा ने जी कर दो, पर हमें होते अवगुण अम्मा क्या करती? बेटे का गली में रोती सखीन दिशो नहीं ना, हमारा तो छोरा सरप्पा है, हमारा तो एक ऐसो बाबा जी बन गए, एक ऐसो करो मनमानी करते, रात कैसी बड़ाई कर रही है ना क्यों? पूत कपूत तो क्या धन सींचे, कपूत सपूत तो क्या धन सींचे, जोड़ जोड़ के माया रख जा बक्सा मर रही है अम्मा, बिना पता कि माया ही रह जाएगी, हम ले लेंगे सब खा जाएंगे हैं। भागवत का नियम नवंबर में ठंड से ठीक है ना, जोरदार ताली बजा दी, दोबारा मर्त जीवच सुन जाएगी तो अम्मा कोई बात ना है, विजयनगर में होगी शिवपुरी में, हाँ मनी मंगाई दे रही हो मतलब मुंह का जोर पड़े बोली गोविंद भगवान की। हाँ महाराज ध्यान देना, ये माइक दे देना है माइक तुम्हें देख एक बात याद आएगी, मैं कह दूं जब बोली रुक जैसे हमने रुक जाए मत बैठ जाए। एक गांव में ना कथा हरी कथा कि सांप जेठ को महीना जो अगला महीना बैसाख बैसाख चल को जेठ को महीना आवे और जेठ में एक दशहरा आवे, दशहरा आवे तो वहां ना आवे जेठ को दशहरा ना भी जामे ना, तो जेठ के दशहरा के दिन है ना जो कोई नीलकंठ के दर्शन कर लिए ना वो एकदम सीधा स्वर्ग जावे, बढ़िया रे। अब महाराज एक अम्मा बोली मैंने जिंदगी में कछु अच्छे कर्म तो करे ना, कल को दशहरा है और नीलकंठ देखेंगे। अम्मा सवे सवे घर पे 4 बजे निकली, महाराज हिंडन तक गई पैदल, और फिर हिंडन बजे लौट गई पैदल, वह कहूं नीलकंठ ना मिलो, और जैसे ही कृष्णा इंटर कॉलेज पर आई तो वह नीलकंठ मिल गो, पर मिलो मरो भाव। अम्मा बोली भाई वह व्यास ने गिनाए बताया कि जिंदगी करेंगी दर्शन तो जाऊंगी या मरे की करेंगी तो जाऊंगी, चलो कोई बात नहीं अम्मा अगर दिमाग काम सही करो। अम्मा ने कहा करो वो नीलकंठ मरा वो उठायो और धोती की ठोकों में बांध के घर को ले आई। रोजाना अम्मा सबसे पहले आए कथा में सबसे आगे बैठी, पर अम्मा वान देखी भाई कोई बात ना 5:30 बजे के अब तो आरती है वारी है चलो। अम्मा आ गई, हम कथा कर रहे ऐसी, और जैसी अम्मा आई तो मोतल बंद कर, मेरी तो हवा खुशक रहेगी कि तुम कहा भाव। हाँ तो बोले लाला डरे मत, मैं कुछ ना कह रही, वैसे तेने कल एक बात कही मैंने कि हमारी
मैं तो जब यहाँ बैठ जा तो कहूँ तो बात ही बात है, क्या वो करूँ, कुछ वो काम ही ना मुँह पे बता। डरने की कोई बात ना है, ते नहीं हो कहीं कि जो कोई नीलकंठ के दर्शन कर लेगा ना वो सीधो सरक जाएगा। ये मेरी की अम्मा तेन तो मेरे पसीना छुड़वा दो, बता सही कही मैंने? चलाला जिंदगी की कर लेंगी तो जाऊंगी या मरी की कर लेंगी तो जाऊंगी? मैंने हमारी बेटा रे, मैं अम्मा जिंदगी की करेगी तो जाएगी, चोरे मरे के कर ले तो मैं अम्मा किताब में लिख रही है घोर नरक में जाएगी। सो अम्मा बोली देखो रे बाल को देखो, ऐसी अम्मा ही आएगा दिख जाएगा जैसे तुम देख रहे ना मेरे के थोड़ा पीछे को ऐसे देखने लगे सब, ले रे ले देखो 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 बाल को देखो जिंदा मरा हुआ सब देख रहे मुड़ के पीछे। बोले सुना अकेली ना जाऊंगी, पूरे सवे नरक में लेके जाऊंगा, चिंता ही मत करो। श्याम ने तो कही हमें बिहारी पुराण में कथा पर कथा करवाऊंगे, पर तुमने नो कह दिया हम सुनेंगे ही ना है। एक बार जोर से बोल जय जय श्री। हेलो बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधे रानी सरकार की। कुछ दानदाताओं की सूची, 101 रुपए लड्डू, 51 रुपए विद्या देवी, 51 रुपए बिलित, 101 रुपए सचिन पाल, 101 रुपए सोरन सिंह, 101 रुपए राधे राधे बहन जी। भाई जोरदार ताली हो जा, जल्दी लिया और लाओ। राधे नाम को नाम है शांति, फिर विक्रांति। एक सौ एक रुपए बिरंदर, भगवान इन दानदाताओं का भंडार भरते रहे, सदा इनकी मनोकामना पूरी करते रहे। भाई सहयोग तो दे रहे हो, वाद वाके थोड़ा और बढ़ा दो। देखो ये साउंड भी है, टेंट भी है, ये ब्रश से चलकर भी आए हैं। अगर इनके सेवा पानी में कमी रह गई तो के बिहार में जाके कहेंगे हम गए बिहारीपुरा में गली नंबर 12 है। मैं कोई मैं ना कह रहा हूं बिहारी के वो पे बिहारपुर में एक बिहारी खुद बैठो जाके तो जाते। देखो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, कोई भी पर्सनली कथा नहीं हो रही है, सब गली बस्ती के सहयोग से हो रही है। जिसमें भी जैसा बने, देखो कल की और परसों की कथा है, सभी पहुंचा दें। और जो भी हमारी ये माता बहन बैठी हैं, ये भंडारे की और परसों हवन की, पल्ले दिन की, परसों का पल्ले दिन की, हाँ परसों ये सारे बोलूं ना, 21 तारीख को जैसे हो तो आया हो, टेंट रात में काम उखरे दिन में उखरे हो ना उखरे को। भंडारे की जिम्मेदारी सुनीता और शारदा की, भंडारे की जिम्मेदारी सुनीता चौधरी और शारदा चौधरी। ताली हो जाए, इन 8 क्विंटल 2 क्विंटल बने गो जो मन इच्छा हो। अरे 100 ग्राम सूजी को लो बटवा, चिंता मत करो, पीछे मत है। वादा की जिम्मेदार शारदा और सुनीता, जोरदार ताली हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखो हमारी माँ जी बैठी हुई हैं, अम्मा जी शिवपुरी से चलकर यहाँ आई हैं, और देखो ये हमारे आसपास के गली बस्ती के यहाँ से लेकर के नहीं आ रहे कूलर पंखा में से। देखो कैसी ज्ञान गंगा बह रही है, इसमें गोता लगाने को कोई भी तैयार नहीं है। तो ये भंडारे के लिए 501 रुपए योगेश चंद शर्मा जी भटोला वाले, जोरदार ताली हो जाए।
भैया 501 रुपए हमारी तरफ से मिले लीजिएगा। हेलो, आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। नहीं कहना चाहता हूँ, व्यासपीठ की तरफ से एक आपसे विनम्र आग्रह है, विनम्र अनुरोध है। देखिए, जो भी लोग भागवत कथाओं का महत्व जानते हैं, बहुत दूर दूर से आरती के दर्शन के लिए चले आते हैं, वो चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे कोटा में हो, है ना, तो आप सबसे सहयोग की जो अपील है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये लोग मांगने आए हैं, खाने आए हैं, है ना, आपके दरवाजे पर कोई मांगने नहीं गया होगा। मेरे को भी रात्रि में ड्यूटी में जाना है, मैं पूरे 3 दिन इस पंडाल में हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ाई मैंने भी की है, सरकारी स्कूल से सिविल इंजीनियरिंग किया है। ये भैया भी बिहार से चल के आए हैं, तो आपके घर नहीं जाएंगे मांगने खाने, है ना। बहुत अच्छे अच्छे दानदाता, बहुत अच्छे अच्छे रईस भी कथा नहीं करवा पाते हैं। एक कथा पंडाल से व्यास जी महाराज ने बोल दिया था कि कभी मुकेश अंबानी अनिल अंबानी से पूछ कर देखना कि उन्होंने कभी कथा नहीं करवाई होगी, चाहे वो कितने ही करोड़पति हैं, चाहे खरबपति हैं, चाहे कितना भी पैसा है। तो ये कथाएं बड़ा सौभाग्य है, जहां तक भी ये आवाज जाती है आपके पाप आपके कष्ट कट जाते हैं, जहां तक भी ये आवाज भागवत कथाओं की जाती है, न जाने कितना पैसा कितना सम्मान लोग देते हैं। आज मुझे इस व्यासपीठ से कहना पड़ रहा है, बार बार व्यास जी कहते हैं, अब लोग सोचते होंगे अरे ये तो काम कमाने खाने का धंधा है, ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष में साक्षात ठाकुर जी ने अपने आप को संवारा है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अगर आप भक्ति भाव से आप माथा टेक करके भागवत जी का भी रोज दर्शन कर लेंगे तो आपको वो प्राप्त हो जाएगा जिंदगी में, जो आप ठाकुर जी से इस भागवत कथा में अपनी मनोकामना रखेंगे। मैं निश्चय रूप से कह सकता हूं कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी। कोई भी स्टाम्प पेपर पे मुझसे लिखवाना चाहे मैं लिखकर दे सकता हूं, किसी को देखना हो मेरे हाथ में बस्त खुले हुए हैं, भागवत कथा के मंच के पीछे मुझे सुबह सुबह करंट लगा था, बस्त खुल गए थे। और आपने शायद बड़े बड़े झूलों में वो ऐसे झूले होंगे, मुझे अच्छे से ध्यान है, याद है। और सिर्फ एक बार आवाज निकली थी मेरे मुख से, वो हिलोरे मुझे आज भी याद हैं। डायरेक्ट लाइट के 10 करंट लगे थे, कम से कम 10 शॉट तो मुझे याद हैं। उस पंडाल में पूरा हल्ला मच गया था परिक्रमा के वक्त। तो आप लोग कथा को अच्छे से सहयोग करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हेलो हेलो, आइए सभी भक्त एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय हो। तो देखो इसके बाद में एक भजन होगा, हमारे विपन भैया गाएंगे बहुत अच्छा, और ये नाच नाच के गा सकते हैं, तुम मन में आगे कभी झूम के भी ना गा सकते। हाँ, और कभी देखो नाम बताइए ना, 501 रुपया, 501 रुपये हमारा जो चीला है राजेश, मधु विहार यानी कि विनोद नगर बुद्ध विहार गली नंबर शांति मार्ग कह देते हैं, हाँ बुद्धा मार्ग, ये वहां रहता है। इसके इसने एक नहीं दो नहीं 3 कथा अपने आप करा चुका है। 2 कथा दिल्ली में करा दी और 1 कथा इसने अपने गांव में बिहार में करवाई थी नवरात्रों में।
और ऐसी कथा कराई थी इसने नवरात्रों में, बताऊं हम 16 तारीख को वहां से विदा हुए इसके घर से। 16 को हम रुके मिर्जापुर विंध्याचल देवी के दर्शन करने थे, वहां गंगा वंगा नहाए आराम से, मैं बोभी मुझसे बड़े भाई तीनों जने थे, लड्डू गोपाल हम आए संग में था ही गाड़ी में। 17 तारीख को वहां से हम 1 बजे निकले मिर्जापुर से, और कानपुर आते आते हमको रात को 11:30 बजे। कानपुर में 1 घंटा का जाम लगा रहा, उस जाम को काट के बरसात इतनी तगड़ी थी 17 अक्टूबर, उस तारीख को याद करते ना तो आज भी ऐसा लगता है कि हम दुनिया में नहीं होते। मैं गाड़ी चला रहा था, बड़े भाई बराबर में बैठे थे, ये पीछे लड्डू गोपाल को लेकर सो रहा था, वो भी ये ढोलक वाला। हम दोनों भाई बात कर रहे थे, मुझे कथा में आना था यहाँ। 1 अक्टूबर में वहां से आए थे, भागवत थी हमारी, कहाँ जाना था, हमें जाना था अर्जेंट कथा में, जयपुर। हाँ जयपुर भागवत थी हमारी। कानपुर से औरैया के बीच में हमने टंकी में तेल डलाया, गाड़ी खूब कोई दिक्कत नहीं। भैया बोले मैं चलाऊंगा, मैं नहीं, तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम सो जाओगे, तुम मैं चलाऊंगा। 30 किलोमीटर निकले तेल लगा के गाड़ी में से, ना कोई बकरी ना कोई भेड़ ना कोई गाड़ी ना कोई कुछ नहीं, पर लगा के एक पत्थर इतना बड़ा गाड़ी को बीच में ले लो, डिवाइडर में गाड़ी लगी इधर से उधर, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी आगे से खत्म। लड्डू गोपाल नहीं होता तो शायद है कि हम उस रोड पर चटनी पिस जाते। उस रोड पे गाड़ी 140 से नीचे तक ट्रक नहीं चलता है, पर 6 लेन का रोड चौड़ा है। बरसात इतनी तगड़ी थी कि कुछ दिख नहीं रहा था, गाड़ी लगा लो इस कोने पे चल रही और रपट के गाड़ी इधर पहुंच जाए और फिर ऐसे आ जाए तो कितना बड़ा हादसा गोविंद की कृपा से ना। और इसकी खासियत बहुत खतरनाक है श्याम जी, इस राजेश की, इसकी कहानी फिर बताएंगे कभी मौका मिलेगा तो। अब आइए हमारे विपण भैया सुना रहे हैं आपको। हेलो हेलो, आइए सभी भक्त एक बार फिर उनसे जयकार लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा और बोले बढ़ाएंगे, जय जय श्री राधे राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधी। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने बारी का से। आइए सभी को प्रेम से भाव से बोलना है, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे। जय जय जय। आइए सभी को अच्छा कुरात करेंगे सर, खुशी और ताली उस आदमी ताली साथ कह रहा है, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे राधी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे राधी का। वृंदावन में हुक्म चले
मकरा राधे ओ वहाँ पत्ते पत्ते पे वहाँ डाली जाली पे राधे वहाँ पत्ते पत्ते पे राधे वहाँ डाली जाली पे राधे वहाँ पत्ते पत्ते पे वहाँ डाली जाली पे राधे कब राधे का चंदा काम के हर चक्के पे और बोलक मेरे साथ मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधे रानी का मेरा श्याम दीवाना है खुद राधे रानी का Thank you.
बोली गोविंद भगवान की। वापिस मैंने सामने ही हूँ। आठवां संतान जो होगी वो तेरा काल। काल होगा कहकर के आकाशवाणी हुई। आज राजन परिषद उन्होंने बस्ती तैयार है नहीं है। हाँ इनको बाहर गए हार कर टोकरी में
आज बस देवी का पहला पुत्र हुआ, कंस ने मार दिया, दूसरा तीसरा चौथा मार दिया, पांचवा छठा सातवा खंडित हो गया, आठवा गर्भ है देवकी के गर्भ में। और जब जिस नारी के, जिस पत्नी के, जिस स्त्री के सात गर्भ छह पुत्र मर जाए, सातवा खराब हो जाए, उस शरीर में भी कोई ताकत नहीं रहती, कहाँ जा रही है कथा बताई ले लिया जब भी करेंगे ले ले ले। आज देवकी अपने पति से घुट घुट के रो रो के बता रही है कैसे कैसे क्या कह रही है। पर भैया आज उनसे कह रही है, स्वामी हे प्राणनाथ, समय पर नहीं, अब तक मैंने सात बच्चों को जन्म दे दिया, मेरी हिम्मत नहीं रही है, क्योंकि मेरा भाई दुष्ट कंस है, वो मेरे पुत्रों का वध कर देता है, संतान का वध कर देता है। हे प्राणनाथ, हे प्रिय प्राण प्रिय, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझ पर कुछ कहा नहीं जाता है। जेल में बतला रही आठवा गर्भ, हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी पड़ी हुई है, और कैसे कैसे क्या बतला रही है। श्याम जी स्टार्ट में करूंगा, अब विपन भैया तुम एक एक शब्द बताएंगे कैसे कैसे वो पत्नी, आज विपन से विपन की घरवाली कैसे कैसे क्या कह रही है। बेटा ओ पिया धड़के जिया, कुछ न जाए पिया, कि जेल में पैदा होगा मेरा और लालन कैसा होगा, और लालन जैसा भी हो किसका लालन कैसी हो, लालन जैसा भी हो किसका पालन कैसे होगा, लालन सच भी हो किसका पालन कैसे होगा, लालन सच भी हो किसका पालन कैसे होगा। कैसी उसकी जान बचेगी, कैसे उसकी जान बचेगी, ये स्वामी कितने मारे गए लाल हमारे, कितने मरे गए लाल हमारे, चूम न पाई राज दुलारे, चूम न पाई राज दुलारे, एक दिन भारी होगा रे मुझको, एक दिन भारी है मुझको सायन कैसा होगा। प्रभु उठाइए दोनों हाथ, अरे सालन जैसा भी होगा सालन कैसे होगा, सालन जैसा भी होगा सालन कैसे होगा, अरे ओ पिया हरके जिया, ओ पिया हरके जिया, कुछ न चाहे ये किया, जेल में पैदा होगा मेरा लालन कैसे होगा, लालन जैसा भी होगा पालन कैसे होगा, लालन जैसा भी होगा पालन कैसे होगा। कैसे इसकी जान बचेगी, आइए देवकी कह रही
वासुदेव जी से, प्रभु कैसे इसकी जान बचेगी, कैसे इसकी जान बचेगी, अरे कुदरत कैसे, कुदरत कैसे खेल रचेगी, कुदरत कैसे खेल रचेगी, अरे विध की विधना का जाने, विध की विधना का जाने संचालन कैसे होगा, अरे संचालन जैसा भी मेरा पालन कैसे होगा, संचालन जैसा भी हो इसका पालन कैसे होगा, ओ पिया घर के जिया, ओ पिया घर के जिया, कुछ ना चाहे ये किया, जेल में पैदा होगा मेरा लालन कैसे होगा, लालन जैसा भी हो सकता पालन कैसे होगा, लालन जैसा भी हो सकता पालन कैसे होगा, ओ पिया के जिया, अरे जल में पैदा होगा मेरा लालन कैसे होगा, लालन जैसे भी हो सकता पालन कैसे हो, गुरु गोविंद भगवान की। आजी तैयार लौट, आज मैं तेरी कोख से जन्म तो नहीं लूंगा, मगर दूध में यशोदा का ही पीऊंगा, कौशल्या का ही पीऊंगा, तो आज उस वरदान को पूरा करने के लिए मेरा गोविंद सात तारों के भीतर, भैया क्यों ना ला रहे, हाथों में हथकड़ी पामों में बेड़ी है, सब खुल जाएंगे, हाँ सभी बोलेंगे और कैसे कैसे भगवान का नहीं आ रहे हैं। सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, गौतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम 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 सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, कृष्णा शरणागतम कृष्णागतम सुस्वागतम शरणागतम सुस्वागतम शरणागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, शरणागतम 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 शरणागतम।
Hey!
सभी ऊपर हाथ करो ऐसे और तुम्हारे साथ गए थे जो ब्रज में ये ब्रज में जो ब्रज में है कई जय जयकार नंद कर लाला चालो
बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। सर को पीछे सरको, पीछे सरको, और जगह सरको। कसम तुमको मेरे सर की, मेरे पहलू से ना सर को, अगर सर को तो यू सर को कलम कर दो मेरे सर को। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के कारण सो प्यारो, गोपिन के कारण सो प्यारो। इन पर कारे खबर की जय, आरती बाल की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को बोले भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, करुआ कह कह बोल जाती मैया, करुआ कह कह बोल जाती मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया, इनको सर्वस अपनो की जय, आरती बाल की जय। धीरे धीरे ना, धीरे धीरे तो तर बोलन मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सोई सुख पी जो इनको ध्यावे, सोई सुख पी जो इनको ध्यावे, तब इनको अपनो कर लीजय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजय, आरती बाल आरती बाल कृष्ण जी की जय। पूरे गौरव प्रणाम तारम संसार तारम, सदा बसै तम हृदय बिंदे, भवम भवानी सैतम नमाम, तमेव माता चपता तमेव, तमेव बंधु चसता तमेव, तमेव विद्या जवनम तमेव, तमेव सर्वम नम देव देव। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोली बाल कृष्ण भगवान की, सत गुरुदेव भगवान की जय हो, हरिहर बाबा की जय हो, जय हो भैया जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गुरुदेव महाराज की जय हो, रिक्षत महाराज की जय हो, बाबा की जय हो। ओम नाभ्यामासीदन्तरिक्षगं श्रीष्णोद्भव समय वर्तताम बद्वाम भूमि सोता तथा लोकाम अकल्पयनान पूरे सदा पूरे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान व्याद विचल पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवागुण मैया की जय। लगे भो कटे रोग सुखी रहे वस्ती के पूरी सतगुरुदेव भगवान की, हाटू नरेश की
तीन बाण धारी की हारे के सहारे की इन भक्तन की एतवार की सोमवार को एतवार कर दो। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम, हर 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 हरे हर हरे महा। नमो धर्म की, बैठ जाइए 10 मिनट।